नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्जी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरत, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान, इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित, राजू मवानी अभिनी सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन किनागी द्वारा संपादित है। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्द ही उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिल दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वर चंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की, सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्जी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना, सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शमी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की, सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिल दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना, सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी अभिनीत, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की, सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उसे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वर चंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर 2 चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 3 धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 5 एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर 6 क्या तारा आशिकी का 1, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 7 इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर 8 प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणामस्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना, सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और अभिनय टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीन टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की, सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीन टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर 2 चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 3 धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 5 एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर 6 क्या तारा आशिकी का 1, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 7 इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर 8 प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में शक्ति कपूर, शेखर के रूप में दलीप ताहे, दीनदयाल खन्ना के रूप में गुलशन ग्रोवर, गुलशन के रूप में केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल, डॉक्टर पांडे के रूप में शमी, अनाथालय प्रबंधक के रूप में पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद। पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित। राजू मवानी अभिनीत, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन के नागी द्वारा संपादित। एमुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना। सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत। सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान, इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और अभिनय टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है, जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्द ही उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है, हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है, यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है। विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना, सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शमी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और अभिनय टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रविन्द्र टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है, जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्द ही उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना, सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शमी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और अभिनय टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रविन्द्र टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनय सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित है। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरत, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान, इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और अभिनय टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित, राजू मवानी अभिनी, सनी देओल, सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन छायांकन, राजन के नागी द्वारा संपादित है। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रविन्द्र टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रविन्द्र टंडन प्रीति के रूप में शक्ति कपूर, शेखर के रूप में दलीप ताहिल, दीनदयाल खन्ना के रूप में गुलशन ग्रोवर, गुलशन के रूप में केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल, डॉक्टर पांडे के रूप में शम्मी, अनाथालय प्रबंधक के रूप में पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद। पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित। राजू मवानी अभिनीत, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन के नागी द्वारा संपादित। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्जी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना। सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में शक्ति कपूर, शेखर के रूप में दलीप ताहे, दीनदयाल खन्ना के रूप में गुलशन ग्रोवर, गुलशन के रूप में केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल, डॉक्टर पांडे के रूप में शम्मी, अनाथालय प्रबंधक के रूप में पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरत, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत। सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान, इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित, राजू मवानी अभिनी, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन किनागी द्वारा संपादित है। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्द ही उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणामस्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शमी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद। पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित। राजू मवानी अभिनीत, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन के नागी द्वारा संपादित। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना। सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत। सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित, राजू मवानी अभिनी, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन किनागी द्वारा संपादित है। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणामस्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में शक्ति कपूर, शेखर के रूप में दलीप ताहिर, दीनदयाल खन्ना के रूप में गुलशन ग्रोवर, गुलशन के रूप में केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल, डॉक्टर पांडे के रूप में शम्मी, अनाथालय प्रबंधक के रूप में पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर 2 चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर 3 धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 5 एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर 6 क्या तारा आशिकी का 1, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर 7 इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर 8 प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की, जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी गसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत, सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद। पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित। राजू मवानी अभिनीत, सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन छायांकन, राजन के नागी द्वारा संपादित। मुथु संगीत दिया है अनु मलिक। प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस। रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना। सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहे दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत। सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के दमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको इम्तिहान मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। इम्तिहान अनुवाद परीक्षा सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, हैरी बवेजा द्वारा निर्देशित 1994 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है। निर्देशक हैरी बवेजा द्वारा लिखे शशि राज संवाद, पटकथा की है देवज्योति राय द्वारा निर्मित राजू मवानी, अभिनीत सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, छायांकन राजन के नागी द्वारा संपादित है मुथु, संगीत दिया है अनु मलिक, प्रोडक्शन कंपनी जयराज प्रोडक्शंस, रिलीज़ की तारीख 11 मार्च 1994, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक विक्की। सैफ अली खान एक लोकप्रिय गायक है जो प्रीति रवीना टंडन से मिलता है और उससे प्यार करता है। वह उसके पिता से उसे शादी करने की अनुमति मांगता है जो तुरंत उसे मंजूर कर लेता है। प्रीति शादी करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन अपने पिता की खातिर राजी हो जाती है। जल्दी उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं और वह उसे वादा करता है कि वह विक्की को उसके पिछले जीवन के बारे में नहीं बताएगी। कुछ साल पहले प्रीति को अपने पिता की मर्ज़ी के खिलाफ राजा सनी देओल से प्यार हो गया और उसे शादी कर ली। हालांकि दोनों एक साथ बहुत खुश थे लेकिन जब राजा एक दुर्घटना में शामिल हो गया और गायब हो गया तो वे क्रूरता से अलग हो गए। प्रीति अपने पिता के घर लौट आई जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया हालांकि उसके पिता ने बच्चे को एक अनाथालय भेज दिया। विक्की से शादी के बाद प्रीति उसे काफ़ी खुश है। वह अनाथालय में अपनी बेटी पिंकी से मिलती है और उसे कानूनी रूप से अपनाने का फैसला करती है। विक्की जो पिंकी के साथ प्रीति के संबंध के बारे में नहीं जानता है, गोद लेने का विरोध करता है क्योंकि वह किसी दिन अपने बच्चों के लिए उत्सुक है। प्रीति पिंकी से मिलती रहती है। हालांकि एक रहस्यमय अजनबी भी प्रीति से संपर्क करता है। वह किसी से फ़ोन कॉल प्राप्त करना शुरू कर देती है और अपने ठिकाने के बारे में बार बार विक्की से झूठ बोलती है। यह मानते हुए कि प्रीति का विवाहेतर संबंध है, विक्की उसका पीछा करता है। यह पता चलता है कि उसे उसके पहले पति राजा द्वारा बुलाया जा रहा है जो जीवित है और पिंकी को गोद लेना चाहता है। इस बारे में पता चलने पर विक्की पागल हो जाता है लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वह पिंकी को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाती है। ढालना सनी देओल राजा के रूप में, विक्की के रूप में सैफ अली खान, रवीना टंडन प्रीति के रूप में, शक्ति कपूर शेखर के रूप में, दलीप ताहिर दीनदयाल खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के रूप में, केके के रूप में मोहन जोशी, नंदू के रूप में असरानी, अवतार गिल डॉक्टर पांडे के रूप में, शम्मी अनाथालय प्रबंधक के रूप में, पिंकी के रूप में बेबी घसाला, ईश्वरचंद के रूप में अनिल नागरथ, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ब्रज गोपाल। गीत संगीत सभी गीत फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है। गाना नंबर एक चाहा तो बहुत, इस गाने के गायकार कुमार शानू और बेला सुलाके हैं। गाना नंबर दो चुरा के धमन, इस गाने के गायकार कुमार शानू और अलका याग्निक हैं। गाना नंबर तीन धीरे धीरे चोरी चोरी, इस गाने को अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार दो बातें हूँ शक्ति है, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर पाँच एक याद के सहारे, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। गाना नंबर छः क्या तारा आशिकी का एक, इस गाने के गायकार कुमार शानू हैं। गाना नंबर सात इस तरह आशिकी का, इस गाने के गायकार अमित कुमार हैं। गाना नंबर आठ प्यार होगा, इस गाने के गायकार विनोद राठौर हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।